दोस्तों, अगर आपका पति बिना तलाक के दूसरी शादी कर भी लेता है तो भी उसको 100% जेल नहीं हो सकती। जी हाँ, आपका आज पूरा डाउट इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ, इस वजह से इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। थर्ड बात दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम पे शाम को 9 बजे रात को लाइव आता रहता हूँ, कमेंट में आपके जवाब नहीं दे पाता हूँ, इस वजह से इंस्टाग्राम का लिंक को आप ज़रूर फॉलो कर लेना, आईडी आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखती रहती है। देखिए दोस्तों, 494 IPC आपको सबको को पता होगा दोस्तों कि बाइक गेमिंग का केस होता है, लेकिन लोग यहाँ पर एक चीज़ भूल जाते हैं कि भाई जो 494 है ना, वह नॉन कॉग्निजेबल केस होता है, असंज्ञेय अपराध होता है। जी हाँ, अब एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने 494 मतलब बाई गेमिंग किया है, शादी किया है, देखो यहाँ पे एक बात और आपको मैं नोटेट करा देता हूँ, यहाँ पे मैं अभी पति के बारे में बता रहा हूँ, इसके अपोजिट करके पत्नी भी लागू कर सकती है कि अगर पत्नी बिना तलाक के दूसरी शादी कर लेती तो पति क्या कर सकता है, क्या वो उसे जेल करा सकता है, दोनों के लिए कंपलसरी लागू रहेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि भाई अगर पति ने 494 का बाई गेमिंग का किया है, मतलब दूसरी शादी किया, बिना तलाक के दूसरी शादी कर रहा है या कर चुका है, और ऐसी कंडीशन में पत्नी पुलिस थाने में जाती है तो पहली बार उसकी शिकायत दर्ज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये असंज्ञेय अपराध है भैया, बेलेबल ऑफेंस है ये, ठीक है। सबसे पहले तो ये कहेंगे पुलिस वाले कि भैया आप इसके सबूत लेके आए कि वाकई इन्होंने शादी कर भी ली या नहीं भी की है। देखो, बाई गेमिंग की शादी कब वैलिड मानी जाएगी? पहली बात, आज के ज़माना में बिना तलाक के दूसरी शादी कोई कर भी लेता है तो उसे साबित करना 99% पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि 494 का जो होता है वह नॉन कॉग्निजेबल केस होता है, ठीक है, और बेलेबल ऑफेंस होता है, मतलब असंज्ञेय अपराध होता है और उसमें बेल भी मिल जाती है। अब इसकी कंप्लेंट आपको कोर्ट से करना पड़ेगा भैया, पुलिस थाने से तो आप कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भैया पहले तो कोर्ट इसको संज्ञान लेगा, देखेगा कि वाकई 494 का केस बनता भी है नहीं बनता है, क्योंकि आज के डेट में जो इतने शातिर हो चुके लोग कि भैया लिव एंड रिलेशनशिप या एडल्ट्री कहीं ना कहीं अपने आप को शो अप करते हैं। लेकिन अगर आपका देखो बाई गेमिंग प्रॉपरली तरीके से, अगर आप कोई से भी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आपको प्रॉपर रीति रिवाज से होना चाहिए। सेक्शन जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें धारा 5-6 में के लिए लिखा हुआ है कि भाई अगर आपने दूसरी शादी कर रहे हैं तो प्रॉपरली सप्तम 7 फेरे होने चाहिए, जो भी रीति रिवाज होते हैं अपनी रूढ़िवाजी के अनुसार अपने पूरे प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, या फिर कोर्ट से मैरिज होनी चाहिए, तभी जाके आपकी बाई गेमिंग मानी जाएगी। अब इसके सबूत बनाना बड़े कठिन हो जाते हैं भैया। जी हाँ, कोई भी पार्टनर है, एक पार्टनर शादी कर लिया तो दूसरा पार्टनर इसको सबूत को साबित करने में बड़ी तकलीफ आती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बात बता देता हूँ कि बाय चांस अगर कोर्ट मैरिज हो रही है तो बाय गेमिंग पकड़ी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो नो डाउट आपको डरना नहीं है कि अगर बंदे ने कोर्ट मैरिज कर लिया, कोर्ट का सर्टिफिकेट बना लिया, तो इसका मतलब कोर्ट को भी गुमराह किया उसने, कंटेम्प्ट कोर्ट भी लग जाएगा उसके साथ में, और साथ में बाय गेमिंग का केस भी लग जाएगा। लेकिन साथ में बाय चांस अगर किसी ने कोर्ट मैरिज नहीं की, अरेंज मैरिज में कर लिया, शायद वो किसी मंदिर टाइप से कर लिया, चाहे वो किसी भी प्रकार से कहीं भी जाके अगर वो शादी कर लिया तो उसको साबित करने में बड़ी तकलीफ हो जाएगी आपको। जी हाँ, देखिए मैक्सिमम दिक्कत कहाँ पे आती है कि अगर आपके पास कोई भी फोटोग्राफी वगैरह कोई भी होती है, और उसके बाद सबसे पहले तो कोर्ट ये कहता है कि भैया ये कहाँ से लेके आए हो आप लोग, कैसे आपके प्राप्त हुए सब एविडेंस आपको, ठीक है। देखिए बाई गेमिंग वाले केस में ना इतना आसान नहीं है पनिशमेंट देना दिलाना, और इतना आसान नहीं है प्रूफ करना भी आज की डेट पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एविडेंस बनाना पड़ेगा, तो एविडेंस प्रॉपरली आपके फ़ोन से होने चाहिए, या प्रॉपरली कोई भी अगर आप यूज़ कर रहे हो उसके आपको वैस्क मतलब रीज़न होना चाहिए कि भाई ये एक तरह से इसको मिला है मुझे यहाँ से, उसको साबित कर सके हो आप लोग, ठीक है। अब लोग करते हैं कि साहब उसकी फ़ोटो हो गई, स्टेटस हो गया साहब, ये सब चीज़ें देखे थे हम, तो वॉइस स्क्रीनशॉट ले लिए, कोर्ट में चिपका दिए साहब, बिल्कुल वैलिड नहीं मानी जाएंगी जी, ये चीज़ें वैलिड नहीं मानी जाएगी, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, अगर आपके माइंड में डाउट है कि साहब फ़ोटो वोटो कोई थर्ड पार्टी या दोस्त ने दे भी दिया है तो वह भी चीज़ें नहीं मानी जाएगी। जी हाँ, ये आपको खुद को कलेक्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, अगर थर्ड पार्टी आपको दे भी रहा ना तो उसका प्रॉपर रीज़न होना चाहिए भैया, ठीक है। तो ये चीज़ें आती है इसमें,
देखो ना ही, देखो 494 है ना, मात्र कोर्ट मैरिज से ही साबित हो सकता है आज की डेट में। अरेंज मैरिज या मंदिर की मैरिज या किसी और टाइप से करते ना, तो इतने सेक्रेट हो गए आज की डेट पे लोग कि भैया ऑन रिकॉर्ड पे कभी छंडाते नहीं हैं। लोग कहेंगे कि साहब वो तो आधार कार्ड में भी नाम डाल लिया, ठीक है, तो भी आपकी शादी वैलिड नहीं होगी। ठीक है, आधार कार्ड में नाम अपडेट कराना बहुत आसान होता है। जी हाँ, एक फॉर्म भरिए, सरपंच की मोहर लगाइए या किसी भी अधिकारी की लगवा लीजिए आप कहीं से भी, और उससे अपलोड चेंजिंग नाम अपडेट हो जाता है। तो ये प्रॉपरली एक एविडेंस नहीं माना जाता है। जी हाँ, ये आप समझ लो, मतलब दो ही चीज़ आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए अगर बाय गेमिंग में आप पनिशमेंट कराना चाहते हो। तो उसमें सबसे पहले तो आपको पूरी अपनी रूढ़िवादी से जो भी आपकी संस्कृति है उसके अनुसार कंप्लीट शादी होना चाहिए, उसके प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए, वीडियो ऑडियो जो भी आपकी फोटोग्राफी सब कुछ कंप्लीट आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपके पास होना चाहिए कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट। जी हाँ, कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया है, उसने कोर्ट मैरिज किया है, तो ये दो चीज़ पे आप उसे पनिशमेंट कर सकते हो, बाय बैंगिंग का केस लगा सकते हो। अन्यथा और टाइप ही अगर वो मंदिर वगैरह कर रहा है कहीं से ऐसा कर रहा है, तो ऐसे ही कंडीशन में आप बाय गेमिंग में उसे फंसा नहीं सकते हो। जी हाँ, मैक्सिमम देखिए शादियाँ ना, शादी को पूरी वैलिड तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, लिव इन के चक्कर में लोग आजकल तो कहीं पर मंदिर से गुपचुप दो देने जाते हैं, शादी करके लेके आ जाते हैं चुपके से। क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे साहब, क्योंकि आपको 497 खत्म हो चुका है आज की डेट पे। ज़्यादा से ज़्यादा आप एडल्ट्री का ग्राउंड बनाइए, डाइवोर्स ले सकते हो। तो आज की डेट में बिना तलाक के दूसरी शादी भी कर लेता है पति चाहे वो पत्नी, तो प्रूफ करना बड़ी कठिन हो जाता है। अगला सवाल आ जाता है कि साहब उसने तो बच्चे में दोनों के बच्चे हो गए। एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं अलग से एक वीडियो लाता हूँ, जितने भी कि साहब आधार कार्ड पे अगर नाम छंडा लेते हो, बच्चों का नाम पे पिता का नाम डाल देते हो, वाइफ का नाम डाल देते हो, तो इन सब का एक अलग से एविडेंस का मैं एक वीडियो बना के लाऊँगा आपको, पूरा टॉपिक टॉपिक इसी के जस्ट बाद में वीडियो लेके आ जाऊँगा। देखिए बाय गेमिंग क्या होता है कि एक तो उसका उसमें आपको अवेलेबल है, आपको बेल तुरंत मिल जाती है कोर्ट में, इसकी दिक्कत है भी नहीं। ठीक है, कोई जेल वेल आपको जाना है नहीं किसी भी टाइप से। ठीक है, दूसरी बात, आपको इसको एक्सेप्ट करने में कंसीडर कोर्ट करता ही नहीं, कंप्लेंट को पुलिस इसे एक्सेप्ट करती भी नहीं, आपको पता है कि मामला सब कोर्ट का है, तो इसको कोर्ट में जाना पड़ेगा पार्टीज़ को, तो पुलिस का इसमें रोल आएगा नहीं। ठीक है, हाँ कहीं भग गया सबूत है कहीं भी, तो फिर उसके खिलाफ़ वारंट निकल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उसके खिलाफ़ फिर पुलिस रोल निभा सकती है, अन्यथा डायरेक्टली पुलिस इसके खिलाफ़ शिकायत दर्ज नहीं कर सकती है। ये बात आप समझ लेना अच्छे से। तो इस वजह से जो बाय गेमिंग कर रहे हैं आज के डेट पे, वो निडर होके कर रहे हैं, क्योंकि एविडेंस बनना ना के एविडेंस बनाना या एविडेंस प्राप्त करना विपक्ष पार्टी को काफ़ी कठिन हो जाता है इस चीज़ में। ठीक है, अब देखिए इसमें से अगर आप चाहते हो तीसरा ऑप्शन भी साबित करने का, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। चाहो तो आप उसके आई विटनेस को इंडिपेंडेंट विटनेस बना के एक शपथ पत्र लगा के कोर्ट में कह सकते हो कि साहब हमारे सामने हुई थी, हम गए थे, हमारी वीडियोग्राफी हम भी उसमें फ़ोटो क्लिक किए हैं, शादी हमारे सामने हुई है, रूढ़िवादी रीतिवादी हमने हमारे कैमरे से बनाए, तो भी कर सकते हो आप, अन्यथा इतना आसान नहीं है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा कि भैया बिना तलाक दिए भी अगर दूसरी शादी करते हैं तो बाय गेमिंग का केस ना के बराबर लग पाएगा आज के डेट पे। तो ठीक है, क्यों, क्योंकि दो ऐसे कानून चल रहे हैं आपको पता है, जो कि एडल्ट्री का है और लिव इन रिलेशनशिप का है। अब ऐसे में भैया आपको एडल्ट्री का ही ग्राउंड बना पाओगे आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से जब भी आपके माइंड में ऐसा आता है, और फिर दूसरी बात यही समझ लो कि भैया जो हमारा नहीं था वो किसी का नहीं होगा, ये बात समझ लेना आप अच्छे से। तो इसी वजह से जब भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि बाय गेमिंग किया, प्रॉपर एविडेंस है आपके पास, तभी जाके आप केस करें, अन्यथा अपना टाइम और मनी वेस्ट ना करें, उसमें आपका फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।